एवरीवन, वेलकम टू माइक्रोन एकेडमी। माइक्रोन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं रवि रंजन पांडे स्वागत करता हूँ आपका इस इनोवेटिव एपिसोड में, जिसका नाम है वोकैब का हर्बल डोज, रवि रंजन यानी कि मेरे साथ रोज। यह इस सीरीज का 31वां एपिसोड है। उम्मीद है कि अभी तक आप 30 एपिसोड आसानी से देख पाए होंगे, आसानी से याद कर पाए होंगे और आप 300 वर्ड्स आसानी से सीख लिए होंगे, याद हो गए होंगे आपको। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एपिसोड एक मोटिवेशनल कोट के साथ। आज के मोटिवेशनल कोट में कहा गया है, समस्या को पहली बार में सामना करने से मत डरो, क्योंकि सफल गणित भी जीरो से शुरू हुआ है। ये कथन किसका है? ये कथन है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का। ठीक है, कोई भी समस्या है तो अगर आप चाहेंगे तो एकाएक तो खत्म होगी नहीं, उसको धीरे धीरे आप टैकल कर सकते हैं, धीरे धीरे उस परेशानी से, उस समस्या से निजात कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके लिए तैयारी करना, आपके सफलता में अगर कुछ बाधाएं आ रही है छोटी मोटी, तो आप उसको एक एक करके खत्म कर सकते हैं। आप अगर उससे भाग जाएंगे तो आपका लक्ष्य नहीं मिलेगा, और अगर आप उसका सामना नहीं करते हैं तो आप फिर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने से वंचित रह जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रिकॉल सेशन। आज के रिकॉल सेशन में एपिसोड 30 के हमारे पास 10 वर्ड्स होंगे। पहला वर्ड है मैनिस। मैनिस को हमने रिलेट किया था मनीष से। मैसेकर को हमने रिलेट किया था मैं संकरी गली से। रफियन को हमने रिलेट किया था रफी से, मोहम्मद रफी से। पेरिस एबल को हमने रिलेट किया पेरिस और एबल से। यूटोपिया को हमने रिलेट किया था ये टोपी से। फोर्थ राइट को हमने रिलेट किया था फोर्थ फ्लोर पर जो लोग राइट रहते हैं उनसे। राउट राउट को हमने रिलेट किया था कंगना रनौत से। स्प्रूस को हमने रिलेट किया था एस्प्रे और रू से। रिकरेंस को हमने रिलेट किया था री और करेंट से, मतलब दोबारा करेंट। टंबल को हमने रिलेट किया था तुम मुंह के बल से। ठीक है, तो ये रहे आज के हमारे 10 वर्ड्स, ये रहे आज के हमारे रिकॉल सेशन के 10 वर्ड्स। अगला अब आज का हम देखते हैं पहला वर्ड। आज के पहले वर्ड में है टसल। टसल का मतलब होता है लड़ाई या फिर संघर्ष। सिनोनिम्स जगह इसका स्कफल या फिर बैटल। स्कफल या बैटल का भी मतलब होता है लड़ाई या फिर संघर्ष। एंटोनिम्स जगह यहाँ पे पीस या फिर पैसिफिक। पीस मतलब होता है शांति, पैसिफिक मतलब होता है शांति। कीवर्ड्स जगह यहाँ पे टॉस। आप इमेज से आसानी से लिंक कर सकते हैं, देखिए कैसे। टॉस आप ऐसा इमेजिन कीजिए कि दो टीमों के बीच में क्या हुई, टॉस को लेकर के लड़ाई हो गई या फिर संघर्ष हो गया। अगला वर्ड है हमारा सिरकर। सिरकर का मतलब होता है कान से जी चुराना। सिनोनिम्स जगह यहाँ पे क्विटर या फिर अवॉइडर। क्विटर मतलब होता है जो हर चीज में क्विट करने के चक्कर में पड़ा रहे। अवॉइडर का मतलब होता है जो हर चीजों को अवॉइड करे। अच्छा, एक ध्यान दीजिएगा आप, कोई भी वर्ब जैसे यहाँ पे अवॉइड है तो अवॉइड वर्ब होता है, अगर इसके साथ हम ई आर जोड़ते हैं तो वो बन जाएगा क्या हमारा कॉमन नाउन। एंटोनिम्स जगह यहाँ पे हार्ड वर्कर या फिर इंडस्ट्रियस। हार्ड वर्कर का मतलब होता है मेहनती, इंडस्ट्रियस का भी मतलब होता है मेहनती। कीवर्ड्स जगह यहाँ पे शक्कर। शक्कर आपको पता है क्या होता है, तो शक्कर खाने के बाद वह क्या करने लगा, काम से जी चुराने लगा, ऐसा आप याद कर सकते हैं। तीसरा वर्ड है सैनिटी। सैनिटी का मतलब होता है विवेक या फिर मानसिक संतुलन। ऐसा व्यक्ति जिसका मानसिक संतुलन क्या हो, बहुत अच्छा हो, विवेक उसका बहुत अच्छा हो। सिनोनिम्स जगह यहाँ पे एक्यूमेन या फिर कॉमन सेंस। ठीक है, एक्यूमेन और कॉमन सेंस का मतलब होता है जिसकी बुद्धि क्या हो, अच्छी हो, मतलब सही समय पे सही तरीके से दिमाग लगा सकता हो। एंटोनिम्स जगह यहाँ पे इग्नोरेंस या फिर इनेबिलिटी। इग्नोरेंस का मतलब होता है नकारना, इनेबिलिटी का मतलब होता है किसी चीज की अक्षमता। कीवर्ड्स जगह यहाँ पे संत। आप यहाँ से इमेज से लिंक कर लीजिए, देखिए एक संत महोदय बैठे हुए हैं, तो यहाँ से आप इमेज से लिंक कर लीजिए कि संतों का जो होता है मानसिक संतुलन और विवेक क्या होता है, बहुत ही उच्च स्तर का होता है। अगला वर्ड है हमारा बिनाइन। बिनाइन का मतलब होता है सीधा साधा या फिर दयालु। सिनोनिम्स जगह यहाँ पे काइंड या फिर लार्जेस्ट। काइंड या फिर लार्जेस्ट का भी मतलब होता है दयालु। एंटोनिम्स जगह यहाँ पे इंजूरियस या फिर वायलेंट। इंजूरियस मतलब होता है जो दूसरों को क्षति पहुंचाए, हानि पहुंचाए, जिसे नुकसान हो। वायलेंट मतलब होता है उग्र या फिर जो किसी चीज को लेकर के बहुत ज्यादा वायलेंट हो। वायलेंट मतलब की काट मारपीट और इन सब चीजों पे उतर जाए। कीवर्ड्स जगह यहाँ पे बनियान। बनियान से आप लिंक कर सकते हैं कि जो लोग बनियान पहनने वाले होते हैं वो क्या होते हैं, सीधे साधे या फिर दयालु होते हैं। कोलूजन अगला वर्ड है हमारा कोलूजन। कोलूजन का मतलब होता है मिली भगत या फिर साठ गांठ। सिनोनिम्स जगह यहाँ पे कम्प्लिसिटी या फिर क्राफ्ट। कम्प्लिसिटी या क्राफ्ट का मतलब होता है जो किसी चीज में क्या करे, किसी चीज को कॉम्प्लेक्स बना दे, मतलब उसको जटिल बना दे। क्राफ्ट का मतलब होता है जो किसी चीज में धूर्तता ला दे। एंटोनिम्स जगह यहाँ पे ऑनेस्टी या फिर मोरालिटी। ऑनेस्टी मतलब होता है ईमानदारी, मोरालिटी मतलब होता है नैतिकता। कीवर्ड्स जगह यहाँ पे कालू और सन। आप ऐसा रिलेट कर लीजिए कि एक व्यक्ति है कालू, उसके सन उसका सन है, आप ऐसा लिंक कर लीजिए
कि कालू का अपने सन के साथ क्या हो गया, साठ गांठ या फिर मिले भगत है। अगला वर्ड है हमारा डिफंक्ट। डिफंक्ट मतलब होता है मृत। सिनोनिम्स हो गया यहाँ पे डेड या फिर इनएनिमेट। एंटोनिम्स हो जाएगा एग्जिस्टेंट या फिर अलाइव। एग्जिस्टेंट या अलाइव, अलाइव का मतलब होता है जो जीवित हो, जिसका एग्जिस्टेंस हो, मतलब जिसका अस्तित्व हो। कीवर्ड से यहाँ पे कर लीजिए लिंक। डिफंक्ट को दफन से आप आसानी से याद कर सकते हैं। आप इमेज से यहाँ पे लिंक कीजिए कि दफन किया जाता है किसको, आपको पता है किसको, मृत को। अगला वर्ड है हमारा प्राइसी। प्राइसी का मतलब होता है महंगा। प्राइसी का क्या मतलब हो जाएगा, महंगा। सिनोनिम्स हो गया यहाँ पे कॉस्टली या फिर वैल्यूएबल। कॉस्टली मतलब होता है जिसकी कॉस्ट क्या हो, हाई हो। वैल्यूएबल मतलब होता है जो क्या हो, जिसकी वैल्यू ज्यादा हो, जिसका मूल्य क्या हो, ज्यादा हो। एंटोनिम्स हो जाएगा यहाँ पे चीप या फिर रीजनेबल। चीप का मतलब होता है सस्ता। रीजनेबल का मतलब होता है जो आपको एक रीजनेबल प्राइस पे, यानी कि उतना प्राइस जितना सबके लिए क्या हो, वह नहीं हो। कीवर्ड्स हो जाएगा यहाँ पे प्राइस, ठीक है। प्राइसी को प्राइस से लिंक कर सकते हैं, तो आप ऐसा सीधे लिंक कर लीजिए कि प्राइस को बहुत क्या है, महंगा है। इसकी किस किताब की, मतलब कोई किताब आप लेने जा रहे हैं वहां से आप लिंक कर सकते हैं कि प्राइस क्या है, बहुत महंगा है। अगला वर्ड है हमारा मेहम। मेहम का मतलब होता है विनाश या फिर खलबली। सिनम से यहाँ पे हो गया हैवक या फिर डिस्ट्रक्शन। एंटोनिम्स से यहाँ पे डेवलपमेंट या फिर बिल्ड। डेवलपमेंट या बिल्ड का मतलब होता है किसी चीज को विकसित करना, बिल्ड मतलब होता है बनाना। कीवर्ड्स हो जाएगा यहाँ पे मई में हम। आपको पता है एक दुर्घटना हुई थी, तब आपदा आई थी कहाँ पे, केदारनाथ में, कहाँ पे, हरिद्वार में। तो आप यहाँ से आसानी से लिंक कर सकते हैं कि मई में हमने क्या देखा, विनाश और खलबली का मंजर देखा। कहाँ पे देखा, केदारनाथ में। आप ऐसा आसानी से महम को मई में हमसे लिंक कर सकते हैं। अगला वर्ड है हमारा एग्लो। एग्लो का मतलब होता है चमकना या फिर प्रदीप्त। सिनोनिम्स होगा यहाँ पे ब्रिलियंट या फिर रेडियंट। ब्रिलियंट और रेडियंट का भी मतलब होता है जो क्या हो, आकर्षक हो, चमकदार हो। डी फेम का मतलब होता है किसी चीज की निगेटिव थिंग्स, है ना, किसी चीज का निगेटिव पहलू। निगेटिव पहलू का मतलब है जो क्या करे, किसी को शर्मिंदगी का कारण बने। या फिर अनएक्साइटेड। अनएक्साइटेड का मतलब होता है जो क्या हो, नीरस हो, उबाऊ हो। कीवर्ड्स हो जाएगा यहाँ पे एंग्लो। आप ऐसा लिंक कर लीजिए कि एंग्लो इंडियन, आप जानते हैं कि जो हमारे विदेशी होते हैं वो लोग क्या होते हैं, गोरे गोरे होते हैं। तो आप ऐसा लिंक कर लीजिए कि एंग्लो इंडियन समुदाय के लोग क्या होते हैं, बहुत ही चमकते हैं। अगला वर्ड है हमारा कोकस। कोकस का मतलब होता है बैठक या फिर सभा। सिनोनिम्स हो गया यहाँ पे पार्ले या फिर मीटिंग। पार्ले को आप पार्ले बिस्किट से भी याद कर सकते हैं। मीटिंग, मीटिंग आपको पता है सामान्य सा वर्ड है। एंटोनिम्स होता है सेपरेशन या फिर इंडिविजुअल। सेपरेशन मतलब होता है अलगाव या फिर बिलगाव। इंडिविजुअल मतलब होता है जब कोई इंडिविजुअल बैठा हो, एक बैठा हो, अकेले बैठा हो। कीवर्ड्स जगह यहाँ पे काका से, है ना। आप ऐसा कर लीजिए कि काका से आपकी क्या हो गई, बैठक या सभा में मुलाकात हो गई। चाहे आप ऐसा लिंक कर लीजिए कि काका के साथ आपकी क्या हो गई, बैठक या सभा हो गई। अब देखते हैं आज का रिविजन सेशन। आज के रिविजन सेशन में आज के 10 वर्ड्स हैं हमारे कौन कौन से। पहला वर्ड है टसल। टसल को हमने लिंक किया किससे, टॉस से। सिरकर को हमने लिंक किया शक्कर से। सेनेटी को हमने लिंक किया संत से। बिनाइन को हमने लिंक किया बनियान से। कोलुजन को हमने लिंक किया कालू और सन से। डिफंक्ट को हमने लिंक किया दफन से। प्राइसी को हमने लिंक किया प्राइस से। महम को हमने लिंक किया मई में हम से। एग्लो को हमने लिंक किया एंग्लो इंडियन से। और कॉकस को हमने लिंक किया किससे, काका से, ठीक है। तो इस तरीके से आज हम 10 वर्ड्स यहाँ पे सीख चुके हैं। अब आज के एपिसोड में इतना ही। जल्दी ही मिलते हैं अगले एपिसोड में। ये सीरीज आपको कैसी लग रही है, आप अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देते रहें। आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।